हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बडी क्लब। आई एम प्रतीक ठक्कर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप किसी भी काम को 100% फोकस के साथ कर सकते हो एंड उसे अच्छे से पूरा कर सको। फ्रेंड्स, किसी भी चीज में कंसंट्रेशन करने के लिए आपको उसकी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आप किसी भी काम को 100% फोकस के साथ कर पाओगे। पर दुनिया में सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज को डेवलप कर पाते हैं, एंड मोस्टली देखा गया है कि वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बिना डिस्ट्रैक्ट हुए किसी भी काम को 100% मन लगा के करना है, तो आपको भी ये स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं आपको ऐसी 3 ट्रिक्स बताऊंगा जिसे आप इजीली ये स्किल डेवलप कर पाओगे एंड फिर किसी भी काम को 100% फोकस के साथ कर पाओगे, फिर वो आपका ऑफिस वर्क हो या फिर स्टडी। सो फर्स्ट वन इज 5 मिनट्स टेक्निक। फ्रेंड्स, कंसंट्रेशन स्किल को डेवलप करने के लिए आपको छोटे छोटे कमिटमेंट से आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आप अपने आप से कमिट कर सकते हो कि आप जो भी काम करोगे उसमें सबसे पहली 5 मिनट्स तो आप फुल कंसंट्रेशन के साथ करोगे। अल्सो आप अपने आप से अभी ही कमिटमेंट कर सकते हो कि जब तक ये वीडियो कंप्लीट नहीं होता मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। ऐसे आप अपने आप को कंसंट्रेशन करने के लिए अलग अलग तरीकों से मजबूर कर सकते हो, जिससे आपकी ये स्किल डेवलप होती जाएगी। जैसे ही आप ऐसे वीडियोस में अपना रिजल्ट अच्छा देखोगे, वीडियोस मतलब काम के रिलेटेड, लाइक स्टडी रिलेटेड, मोटिवेशनल वीडियोस एटसेट्रा, मैं यहाँ पे प्रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर आप ये चीज अपनी स्टडी में भी ट्राई कर सकते हो। एंड ये 5 मिनट्स के टाइम को आप धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हो, लाइक 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 50 मिनट्स एंड सो ऑन। बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्किल डेवलप करते टाइम आपको ये ट्राई फुल डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा, तभी आप इस स्किल को जल्दी से जल्दी अपने अंदर डेवलप कर पाओगे। तो इसे आप डेली ट्राई करें, हर एक चीज में इसे अप्लाई करने का ट्राई करें, जिसे कॉन्सेंट्रेशन को आप अपनी एक जबरदस्त वाली हैबिट बना दो। सेकेंड वन इज विल पावर। बहुत सारे लोग और हमारा भी यही कहना होता है कि हम सोशल मीडिया की अट्रैक्टिव स्ट्रेटेजी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और डिस्ट्रैक्शन का 100% रीजन हम सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। पर ऐसे डिस्ट्रैक्ट होने के जिम्मेदार हम खुद भी होते हैं, जिसे हम कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते। बस यही बोलते हैं, FB के कारण मेरा टाइम वेस्ट हो गया और व्हाट्सएप के कारण मेरा टाइम वेस्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आप कई इंपोर्टेंट वर्क कर रहे हो और आपको सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन आती है। हम उसे बंद करने की जगह उसे ओपन करके चेक करते हैं, एंड चेक करते करते ऐसे हम 15 से 20 मिनट वेस्ट कर देते हैं। इसका मतलब हम खुद भी जिम्मेदार है किसी इंपोर्टेंट काम के टाइम में डिस्ट्रैक्ट होने में। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे हम अपने आप को कंट्रोल करके डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सके। तो फ्रेंड्स, इसका बस एक ही आंसर है, विल पावर। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको आपकी विल पावर इंक्रीज करनी बहुत जरूरी है। विल पावर मतलब आपकी इच्छा शक्ति। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग आज सक्सेसफुल है या टॉपर है, तो उनमें विल पावर काफी अच्छी होती है। वो कोई भी काम करते हैं वो पूरी इच्छा से करते हैं, एंड इसीलिए उन्हें कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, एंड वो अपने काम में कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। आजकल लोगों में विल पावर काफी कम हो चुका है, एंड इसीलिए वो इजीली किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पर बेस्ट थिंग ये है कि विल पावर को हम इजीली इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे अपने विल पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। सो विल पावर को इंक्रीज करने के लिए आप खुद को चैलेंज दे सकते हो, लाइक आप 5 दिन आपकी फेवरेट मोबाइल गेम नहीं खेलोगे या फिर 3 दिन फेसबुक नहीं ओपन करोगे। सो फ्रेंड्स, ऐसे स्मॉल स्मॉल चैलेंजेस से आप अपने विल पावर को इंक्रीज कर सकते हो। ऐसे करने से आपका कॉन्फिडेंस भी काफी हद तक इंक्रीज होगा और आपको लगेगा कि हाँ, आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे सक्सेसफुल लोग करते हैं। थर्ड थिंग इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फ्रेंड्स, कॉन्सेंट्रेशन करना मतलब डिस्ट्रैक्शन को 100% दूर करना। डिस्ट्रैक्शन दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब आप जो भी एक्सटर्नल चीज से डिस्ट्रैक्ट होते हो, लाइक
सोशल मीडिया से और गेम से और किसी तरह के एक्सटर्नल फैक्टर से इसे आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो, जैसे मैंने ऊपर भी दो ट्रिक्स बताई। अल्सो आप सोशल मीडियाज के नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हो, गेम को अपने फोन से डिलीट कर सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर फ्रेंड्स, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन ही है जो हमें बहुत डिस्ट्रैक्ट कर जाता है। पढ़ते पढ़ते हम कई बार सोच में पड़ जाते हैं, पढ़ते टाइम भी काफी सारे थॉट्स चलते रहते हैं, कभी पास्ट के रिलेटेड तो कभी फ्यूचर के रिलेटेड, हम कभी प्रेजेंट में रह ही नहीं सकते। सो फ्रेंड्स, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये एक ही ऐसी चीज है जो आपके इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकती है। लोगों को मेडिटेशन बहुत बोरिंग लगता है, पर फ्रेंड्स आप बस एक बार स्टार्ट करके देखें, एक वीक आप फुल डेडिकेशन के साथ मेडिटेशन करें, आई डैम श्योर आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा एंड आप कुछ ही दिनों में आपकी स्टडीज और कोई काम में काफी फर्क देखोगे। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ ऐसी ट्रिक्स जिसे आप कुछ ही दिन में कॉन्सेंट्रेशन करने की स्किल को इजीली डेवलप कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी आपको खुश रखने की ये छोटी सी कोशिश अगर अच्छी लगी हो तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने व्यूज भी कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें स्टडी बडी क्लब को, जिसे आपको ऐसे अच्छे वीडियोस की अपडेट इजीली मिलती रहे। एंड फाइनली, थैंक यू सो मच। जय हिंद।